हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजी क्लास में। मेरा नाम है जीशान। दोस्तों, आज जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में कि जो लोगों ने फॉर्म भरा था बिहार के पंचायती राज में, उसमें सबका लिस्ट आ चुका है, किसका एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है। तो ये लिस्ट लगभग 8-10 दिन पहले आया है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे अभी भी कमेंट कर रहे हैं, सर लिस्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो मैं उसको लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो लिस्ट दोस्तों आ चुका है, ये देखिए मेरे सामने एक लिस्ट खुला हुआ है। ये देखिए लिस्ट, ये जो है एक्सेप्ट लिस्ट है, जिसका कि एक्सेप्ट किया गया है, जिसको कि एप्लीकेंट आईडी भी दे दिया गया है। ये लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ से चेक कर सकते हैं, आपका नाम है कि नहीं है, आप चेक कीजिए कि आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में है कि एक्सेप्ट लिस्ट में है। तो वो कैसे करेंगे, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक बटन को जोर दबा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह के अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना नाम चेक नहीं किया है, तो ये जो वेबसाइट है, ये इस पर आना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उस लिंक पर पहुँच सकते हैं, जहाँ से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना है नीचे में, ये पर, यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है लिस्ट ऑफ ड्यूली एंड नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे आना है दोस्तों। और इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ तीन ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ देखिए दिखा रहा है। पहला वाला लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी जिसको कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है, जिसको कि रजिस्टर्ड हो चुका है, जो कि एक्सेप्ट किया गया है आपको विभाग के द्वारा, ये वो लिस्ट है। और दूसरा जो है लिस्ट ऑफ नॉन ड्यूली, जिसको कि रिजेक्ट किया गया, जिसको कि एप्लीकेंट नंबर नहीं दिया गया है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं बारी बारी से दोनों को। चलिए पहले दिखा रहे हैं लिस्ट ऑफ ड्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी जिसको कि विभाग ने एक्सेप्ट किया है, जिसका कि फॉर्म को एक्सेप्ट किया है, इसमें कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पूछेगा आपसे सेलेक्ट नेम ऑफ पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई किए थे। अकाउंटेंट और टेक्निकल असिस्टेंट दो पोस्ट था। चलिए हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए अकाउंटेंट। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म भरा था, चलिए सपोज दैट भागलपुर, और यहाँ पर सेलेक्ट कैटेगरी, जो भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर करते हैं ऑल, यहाँ पर करते हैं व्यू लिस्ट। देखिए यहाँ पर मेरा पूरा डिटेल्स आ गया है कि इस पोस्ट के लिए इस जिला में कितना लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। इस तरह से आप अपना जिला का चेक कर सकते हैं, और अपना नाम को सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको एप्लीकेंट आईडी भी दिया गया है, यानी अगर इसमें लिस्ट में अगर आपका नाम है ड्यूली रजिस्टर्ड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट भी तैयार होगा। इस तरह से आप अपना डिस्ट्रिक्ट का जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपना आके यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लिस्ट जो है आ चुका है, बहुत किसी को पता नहीं है, मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए स्पेशल, तो जरूर चेक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका क्या हुआ। और दूसरा, चलिए हम देखते हैं अब आगे, जो दूसरा है वो है नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड, जिसका कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है। चलिए अभी भी दिखाते हैं आपको, सेम उसी तरह से है, अपना जो भी आपका पोस्ट है वो सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, नहीं पता तो ऑल कीजिए, और व्यू लिस्ट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए लिस्ट आ चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दिक्कत क्या है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एप्लीकेंट आईडी किसी का नहीं दिखा रहा है, क्यों? ये सबका रिजेक्ट हो चुका है किसी न किसी वजह से, चाहे आपने फॉर्म फाइनल सबमिशन नहीं किया है, या कोई दिक्कत हुआ हो आपको, आपका फॉर्म सही से सबमिट नहीं हुआ है। तो इसके लिए विभाग के द्वारा दावा आपत्ति का, दिख रहा है यहाँ पर, दावा आपत्ति करने का जो सूचना दिया गया था, जिसका कि टाइम पार हो चुका है। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको नोटिफिकेशन, इसका लास्ट डेट था 5 अक्टूबर तक, जो लोगों ने कर दिया है उसका आ चुका होगा, जो नहीं किया है तो टाइम पार हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए दिखा रहे हैं आपको, ये जो है जिसमें भी इसका नाम है नंदी रजिस्टर्ड में, उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसको रिजेक्ट कर दिया है पूरी तरह से। तो आप अपना नाम जरूर चेक कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपका नाम ड्यूली रजिस्टर्ड में है कि नॉन ड्यूली रजिस्टर्ड में है। दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग में आपको बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाएगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, उस पर मैंने दो वीडियो बनाया है, देख रहे हैं आपको मेरे माउस को यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर आके आप चेक कर सकते हैं। मैं दोनों वीडियो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका नाम आया है तो आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगा, पूरा मैंने डिटेल से ये दोनों वीडियो बनाया है, जाके आप जरूर देखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।